Hello, and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And आज हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स क्विज. अगर आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट PCS, UGC, NET या अन्य जिस भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं. एंड दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाई मी, नैना दुबे. देखिए, ये वीडियो जो है रोज़ाना सुबह 7 से 8 के बीच में अपलोड होती हैं, तो अगर आपको कभी नोटिफिकेशंस ना आए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो आज मैंने ये कोट ऐड किया है, नो मैटर व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड वॉक अवे. इस डायग्राम को आज मैंने इस कोट को लिया है क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है 31 दिसंबर, राइट. सो आपके लाइफ में अभी तक क्या हुए क्या नहीं हुए तो वो सारी चीज़ें भूल जाइए. कुछ ख़राब चीज़ें हैं उस पार्ट को भूल जाइए क्योंकि ये साल का आखिरी दिन है और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता है. आप हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है. तो आज जैसे साल का आखिरी दिन है आप सब कुछ भूल जाइए. साल का आखिरी दिन है, अच्छे से इन्जॉय करिए, सबके साथ मिल लीजिए, दोस्त दुश्मन कुछ मैटर नहीं करता, हमेशा खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए. सो अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द डे. एंड आज है 31 दिसंबर. आप मुझे आंसर्स देंगे आज 3 क्वेश्चंस का. पहला हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीज़न ने किस नाम का एक रोबोट विकसित किया है, किसको चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. एंड थर्ड वन, किस राज्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 जनवरी 2019 से एक अलग उच्च न्यायालय के आदेश जारी किए हैं. इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स में कवर किया था, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकते हैं मुझे. अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप तीनों के आंसर्स दे पाएँ ताकि वो चीज़ें आपकी रिवीजन हो जाएंगी. तो आप कमेंट में मुझे इसका आंसर्स बताइएगा. और मैंने आपसे 29 दिसंबर को जो क्वेश्चंस पूछा था, भगोरिया और मांदरी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मैं आंसर बना दूँ, मध्य प्रदेश. एंड वेरी वेल डन, बहुत लोगों के आंसर्स मध्य प्रदेश ही थे. चरकुला किस राज्य का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है. एंड तानसेन सम्मान से किन्हें नवाजा गया था, तो मंजू मेहता को तानसेन सम्मान से नवाजा गया क्योंकि उनके बहुत अच्छे योगदान रहे हैं संगीत के क्षेत्र में, ठीक है. सो अब हम शुरू करेंगे अपना डेली करंट अफेयर्स क्विज 31 दिसंबर के. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है. आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसके नए जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं उनका नाम है छागरी प्रवीण कुमार. ऑप्शन है हमारे डी, छागरी प्रवीण कुमार. देखिए, और ये जो नया उच्च न्यायालय जो बन रहा है आंध्र प्रदेश वाला, वो अमरावती से काम करेगा और 1 जनवरी से, मतलब हमारे जो 2019 आने वाला है उसमें 1 जनवरी से ये अस्तित्व में आएगा. एंड अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने इसे पिछले वीडियो में कवर किया था कि यहाँ बात आ रही है कि आंध्र प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं. देखिए, पहले क्या था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के उच्च न्यायालय सेम थे, पर अब तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है वो अलग अलग होंगे. हैदराबाद में जो उच्च न्यायालय है वो अब तेलंगाना का उच्च न्यायालय बन जाएगा और आंध्र प्रदेश के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये अमरावती से काम करेगा. और आंध्र प्रदेश में नया उच्च न्यायालय बनने से आप ये चीज़ें भी याद रखिए कि हमारे देश में अब टोटल 25 उच्च न्यायालय हो जाएंगे, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा. ऑप्शन है हमारे डी, छागरी प्रवीण कुमार जी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश को 400 करोड़ रुपए की एक संक्रांतिक व्यापार सहायता सुविधा प्रदान करेगा. तो देखिए, 400 करोड़ रुपए की जो सुविधा प्रदान कर रहा है ये भारत करेगा भूटान को. ऑप्शन है हमारे बी, भूटान. इससे ये होगा कि व्यापार और आर्थिक संबंधों में मजबूती आएगी. इस 400 करोड़ रुपए जो मदद कर रहा है उसका एक उद्देश्य ये है, ये आप ध्यान रख सकते हैं. और ऑप्शन हो जाते हैं बी, भूटान. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फिल्म को एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त चित्र फिल्म का पुरस्कार मिला है. तो देखिए, एशिया साउथ ईस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो कि कंबोडिया में हुई थी, वहाँ 28 दिसंबर को कंबोडिया में हुई थी, ठीक है. तो यहाँ वहाँ जिसे लघु वित्त चित्र फिल्म का पुरस्कार दिया गया है उसका नाम है फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज. ऑप्शन है हमारे ए, फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज. और ये जो फिल्म है ना, ये ऊपरी असम के भाग में जो द्रिबुगढ़ शहर है,
वहाँ के कचड़े पर आधारित है। ये 7 मिनट की फिल्म है और इसे डायरेक्ट किया गया है सत्यम दत्ता जी के द्वारा, जो द्रिभुगढ़ में भारतीय राजस्व अधिकारी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं और ऑप्शन है हमारा ये फाइंडिंग ब्यूटी इन गार्बेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किन्हें नवाजा गया है? बालकन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है लुका मॉड्रिक को, ऑप्शन है हमारा डी। अब देखिए, लुका मॉड्रिक जो है ये बालकन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार लेने वाले दूसरे पेयर बने हैं। पहली बात तो ये चीज़ें क्लियर रखिए कि ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है बालकन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए, लुका मॉड्रिक जो है ये दूसरे प्लेयर बने हैं इस खिताब को जीतने वाले। जो पहला खिताब जीता गया था वो बुल्गेरिया के प्लेयर थे, हिस्ट्रो नाम था इनका। 1994 में उन्होंने बालकन एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। और लुका मॉड्रिक इस पुरस्कार को जीतने वाले दूसरे फुटबॉल प्लेयर बने हैं, वो क्रॉस एशिया के फुटबॉल कैप्टन हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लुका मॉड्रिक के बारे में ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून ओलंपिक के लिए एक नया डिज़ाइन किया गया वेब पेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जून ओलंपिक जो होने वाली है वो आपकी होगी 20 से 24 फरवरी 2019 में। ठीक है, और एयरफोर्स स्टेशन ये लंका जो कि बैंगलोर में है, एरो इंडिया, वहाँ होने वाली है 20 से 24 फरवरी के बीच में। तो इस ड्रोन ओलंपिक के लिए एक वेब पेज जो कि है आपका aeroindia.government.in/drone, ये लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि हमारी रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन क्या हो जाती है? सी निर्मला सीतारमण जी। अब इस वेब पेज को लॉन्च करने का इनका उद्देश्य था कि ये जो ड्रोन ओलंपिक होगी तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, इंटरेस्टेड पार्टिसिपेट है जो कि उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो इसमें जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखने वाली बातें ये है कि 20 से 24 फरवरी में होने वाली है बैंगलोर में, और ऑप्शन हमारे सी निर्मला सीतारमण जी, ये हमारी रक्षा मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके द्वारा साइबर सुरक्षा पर छात्रों के लिए एक पुस्तिका जारी की गई है? तो देखिए, एक बुक आई है जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है साइबर सुरक्षा पर छात्रों के लिए एक पुस्तिका। ये बुक का टाइटल ही है एंड ये जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा। हमारे ऑप्शन है ए, जिनके केंद्रीय मंत्री है राजनाथ सिंह जी। अब इसका उद्देश्य ये है कि सबसे कॉमन चीज़ जो आजकल हो रही है, फेसबुक पे जो अननोन रिक्वेस्ट आते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आ रहे हैं, और जो स्कूल के बच्चे हैं वो जल्द ही उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, और उसे साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस बुक को लॉन्च करने का विशेष मुद्दा यही था कि जितने भी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो सब आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो जितने भी स्कूल बच्चे हैं उन्हें साइबर सुरक्षा के जो डिफरेंट पहलू होते हैं उनके बारे में सूचित करने के उद्देश्य से इस बुक को लॉन्च किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं और गृह मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो देखिए, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है ये 31 दिसंबर आज से शुरू हो गई है और ये 6 जनवरी 2019 तक चलने वाली है और ये कर्नाटका में स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे डी, कर्नाटका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किनके द्वारा ऑटोमेटेड ट्रेन एग्जामिनेशन सिस्टम जारी किया गया है? ऑटोमेटेड ट्रेन एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो रेलवे मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। एंड इसमें अब क्या होगा कि देखिए, ये कोंकण रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है, इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी लगाया है इसमें। जितने भी व्हील डिस्क होते हैं उसके तापमान को मेजर कर पाएंगे, और जितने भी गर्म एक्सल और ब्रेकिंग बाइंडिंग जो होती है उसके बारे में भी वो पहले से अलर्ट कर देगा। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं, ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है? भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर में, ऑप्शन है हमारे भुवनेश्वर। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए, 26वीं मतलब 26 एडिशन हुआ था बाल विज्ञान कांग्रेस का, ये भी भुवनेश्वर में हुआ था, जिसमें रचनात्मक और विज्ञान संबंधित जितने भी मतलब मान लीजिए कार्यक्रम होते हैं जो बच्चों को प्रेरणा देंगे, उनके क्षमता दिखाने के लिए उन्हें एक मंच प्रदान करेगा, उसके लिए बाल विज्ञान कांग्रेस की किया गया था, वो भी भुवनेश्वर में हुआ था। और किस क्वेश्चन में मैं बात कर रही हूँ कि भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये भी भुवनेश्वर में हुआ है, ऑप्शन है हमारे ए भुवनेश्वर। एंड इसके बारे में इसमें होती, देखिए जितने भी सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं ना, उनकी एक बैठक होती है, ये वार्षिक बैठक होती है, हर सालाना ये बैठक होती है। और मणिपुर के जो राज्यपाल हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने इसे 27 दिसंबर को इस 42वीं
भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस समारोह का उद्घाटन किया, जिसका थीम था डिजिटल युग में मानव भविष्य, और ऑप्शन हमारे क्या हुए, ए भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव, उत्सव ऊंट से आप थोड़ी सी गेसिंग भी कर सकते हो, ये राजस्थान में पाया जाता है, तो ऑब्वियसली ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो है ये राजस्थान में मनाया जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएंगे आपके, तो ऑप्शन है डी। एंड देखिए, राजस्थान के बीकानेर में 12 जनवरी को ये ऊंट उत्सव स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये छठवां ऊंट उत्सव है अंतर्राष्ट्रीय। इसमें ऊंट की सजावट, उनकी डिजाइनिंग जैसे गतिविधियां होती हैं, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, किसको साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है, कोल इंडिया जो है ना, इसकी ये सहायक कंपनी है एंड इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है अंबिका प्रसाद पांडा, ऑप्शन है हमारे सी, अंबिका प्रसाद पांडा, ठीक है, प्रेजेंटली वो वहाँ के वित्त निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने 5 प्रतिष्ठित स्थलों में के लिए एक मोबाइल ऑडियो गाइड ऐप के विकास के लिए मैसर्स रेसबर्ट टेक्नोलॉजी के साथ समझौते किए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, गाइड, मोबाइल ऑडियो, प्रतिष्ठित स्थल, इससे आप गेस भी कर सकते हो, अदरवाइज देखिए ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ऑप्शन है हमारे सी, पर्यटन मंत्रालय ने मोबाइल ऑडियो गाइड ऐप विकसित करने वाली है मैसेस रेस्बर टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर, जिससे उन्होंने 5 प्रतिष्ठित, मतलब बहुत ही जाने माने 5 ऐसे स्थलों को टारगेट किया है जहां वो मोबाइल ऑडियो की सहायता से, जितने भी टूरिस्ट अगर जाएंगे ना, तो ऑडियो की सहायता से उसे गाइड कर पाएंगे, तो उसके लिए वो ऐप बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं रेस्बर टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। तो ये किया गया पर्यटन मंत्रालय के साथ। यूजुअली क्या होता है कि मान लीजिए हमें कहीं जाना होता है तो हम गूगल मैप का यूज़ कर लेते हैं, बट इसमें क्या होगा कि बकायदा इसमें एक ऐप बनाई जाएगी जिसमें आप ऑडियो से, पूरी ऑडियो से क्लियरली आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं, जिसमें 5 अभी प्रतिष्ठित स्थलों को टारगेट किया गया है, जिसमें पहला है आमेर का किला जो कि राजस्थान में स्थित है, दूसरा है काजीरंगा जहाँ एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है असम में, थर्ड है केलवा बीच, ये गोवा में स्थित है, कुमार कॉम ये केरल में स्थित है, और महाबोधि मंदिर जो कि बिहार का बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। इन 5 स्थलों को इन्होंने टारगेट किया है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। और एडॉप्ट हेरिटेज जो परियोजना है ना, इसके तहत इस हस्ताक्षर को किया गया है, तो ऑप्शन है सी, पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेडेक्स एक्सप्रेस का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। फेडेक्स एक्सप्रेस जो कि बहुत ही मतलब बहुराष्ट्रीय कुरियर डिलीवरी कंपनी है, ठीक है, फेडेक्स एक्सप्रेस एक कुरियर कंपनी है एंड इनके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त हुए हैं ना, इनका नाम है राजेश सुब्रमण्यम, ऑप्शन है हमारे ए, राजेश सुब्रमण्यम। देखिए, ये डेविल एल कनिंगम को रिप्लेस करेंगे, इनको ये रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और इनकी जगह ये लेंगे अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभालेंगे, और ये 1 जनवरी से इस पद को संभालेंगे, मतलब 1 जनवरी 2019, मतलब कल से, और प्रेजेंटली वो वहाँ के उपाध्यक्ष और संचार अधिकारी। और पेडेक्स एक्सप्रेस के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये कुरियर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं, किसके द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। तो देखिए, नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा इसे आयोजित किया गया है, इनकी परियोजनाएं शुरू की गई है, इसमें जो 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है ये नितिन गडकरी जी के द्वारा रखी गई है, तो ऑप्शन है हमारे ए, दिल्ली में जो यमुना नदी के संरक्षण के लिए इन्होंने इस नमामि गंगे कार्यक्रम को स्टार्ट किया है, ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 31 दिसंबर 2018 के साल का आखिरी दिन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, थैंक यू सो मच। इवन मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ, अनअकैडमी पे आप मुझे नैना दुबे से सर्च कर सकते हो। एंड साल का लास्ट दिन है, अच्छे से इंजॉय करिए, थैंक यू सो मच।